हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से बोल पाए, अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से कोई करियर ऑप्शन चूज करे, बट उनको ये सिखाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम चलना तो सीख जाते हैं लेकिन कहाँ जाना है इसको सीखने में टाइम लगता है। हम बोलना तो सीखते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कहाँ कौन सा बोलते हैं, ये सीखने में टाइम लगता है। बट ये टोटली पेरेंट्स के डिसीजन है कि वो लोग अपने बच्चों को कैसे बड़े करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास उतना इंटेलिजेंस नहीं रहते। वो लोग अगर चाहते हैं अच्छा बनना, तब भी उन लोगों को जो सामने दिखता है वही उन लोगों को लगता है कि सही है, आप अच्छे इंसान हो तो वो भी अच्छी चीज़ सीखेंगे। सो आप कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, ताकि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो करें। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपसे इतने आराम से बात कर रहा हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा हो, किसी एक करियर ऑप्शन मैंने चूज़ किया है अच्छा सा। सो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, सब कुछ शायद वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, सब चीज़ें इसी मोमेंट में अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट वो लोग हर चीज़ में हमको मदद करते थे, हर चीज़ में हमको सपोर्ट करते थे। जैसे कि हम स्कूल से आते थे तभी मेरे को वो लोग हक करते थे, मैं कहीं बाहर से आता था तभी हक करते थे, मुझे एक अंदर से वाइब्स मिलता था, नहीं मैं कुछ भी कर लूँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो मैं और खुल के कोशिश करता था, मैं और अपने को एक्सप्रेस करना चाहता था कि नहीं, देखता हूँ ना कितना दूर जा सकता हूँ, कितना मेरा क्वालिटीज़ है, कितना मेरा पोटेंशियल है, ट्राई तो करता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है, अगर मैं गिर भी जाऊँ वो उठाने के लिए है। सो अगर आप उनके लिए सपोर्ट बन सकते हो तो वो बहुत दूर जाएंगे। दूसरा टिप, उन लोगों को स्कूल से आके ये मत पूछो कि बेटा टिफ़िन खाए हो, उनको पूछो कि बेटा आज कौन सा दोस्त हुआ, किसके साथ टिफ़िन शेयर की हो, थोड़ा ज़्यादा टिफ़िन बना के देना उन लोगों को, ताकि दोस्तों के साथ शेयर कर पाए। टिफ़िन से ही दोस्ती बढ़ती है, तो जितना दोस्ती ज़्यादा होती है, जितना अच्छा दोस्त ज़्यादा होता है, उतना मज़ा आता है। उसे ये ना पूछना कि कपड़े गंदे करके क्यों आए हो, उसे ये पूछना क्योंकि कहाँ कहाँ मस्ती की हो बेटा, मज़ा आया, क्या क्या मज़ा की हो, ऐसा पूछना, उससे और मज़ा आएगा, उससे खुद को एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। आपको तो भगवान कृष्ण के बारे में पता ही होगा, वो माखन चुराते थे, बहुत नटखट थे और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाते थे, हर दिन उनके पास नए नए टेक्निक होते थे, नए नए मक्खन चुराने के टेक्निक होते थे, उसे अगर कोई रोक देते तो आज उनको पूजा नहीं किया जाता। उन्हें रोका गया लेकिन उनके मम्मी पापा उन्हें कभी नहीं रोके। पूरे दुनिया का सपोर्ट ना रहे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मम्मी पापा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी टिप, उनके साथ ओपन रहो, इतना ओपन रहो कि वो लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कर पाए। वो प्रॉब्लम शेयर करने के बाद उनके डांटे मत, उनको सजेशन दे, उनको सॉल्व करने के लिए टाइम दे। हाँ, अगर बहुत बड़ी गलती किया है तब डांट रहे ठीक है, बट उनको सपोर्ट भी करे उसके बाद। हाँ, डांट रहे हो ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन दो। मेरे को भी मम्मी पापा डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, पीट भी देते थे, लेकिन उसके बाद मुझे सोल्यूशन भी देते थे, अच्छा ये गलत किया हो, अच्छा आप ये करो सही हो जाएगा, उनसे सॉरी बोल के आओ, जाओ उनको ये दे के आओ। वो लोग एथिक्स सीखते हैं, उन लोगों के सामने अगर कोई गलती हो जाए आपसे तो उसको मान लो, अगर मान लोगे तो वो लोग भी आपके सामने अपनी गलती मानेगा, क्योंकि वो लोग सोच पाएंगे कि नहीं, इंसान से ही गलती होते हैं, तो गलती हो गया अब क्या कर सकते हैं, अभी मम्मी पापा को बता देते हैं, वो लोग तो बड़े हैं सॉल्व कर देंगे। तो मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया है, तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है और मैं अभी कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, आप सोचो, आपका तो यही गोल होगा ना, आपके बच्चे खुश रहे, मुस्कुराते रहे। वो कितना कमाता है नहीं कमाता है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर मुस्कुरा रहा है सही से, मतलब वो लोग खुश है, एट द एंड हम लोग खुशी जाते हैं, हम लोग वो बच्चों का, घर वालों का। सो वो लोग अगर कुछ करना चाहे तो करने दो, वैसे भी तो बहुत खर्चे होते हैं, अगर वो लोग कुछ सीखना चाहे, कुछ काम करना चाहे, करने दो, थोड़ा खर्चा होगा क्या है। अब ऐसे मत बोलो कि
वो बड़े हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। आप ऐसे बोलो कि बेटा वो बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। आप अगर ऐसे बोलते हो कि उसमें पैर नहीं लगाते, उसको उल्टा करो, ऐसे बोलो कि उसको हाथ लगा के छू के प्रणाम करते हैं, बदल जाता है पूरा परसेप्शन। क्योंकि बच्चों को जो मना करोगे वो बहुत चीज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है। आप भी जब बच्चे थे तब भी आपको ऐसा ही शौक था कि एक्सप्लोर करना है आपको, याद तो आता ही होगा ना, ऐसा हम लोग करे हैं बचपन में। आप भी कहीं फेस किए होंगे कि आपको कहीं जाने को मना किया, आप कुछ है शायद देख के आते हैं, इंटरेस्ट लगता है। तो आप उनको मना मत करो, क्या करना है वो बताओ, कैसे करना है वो बताओ, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। शायद अभी आप उनको कुछ चीज़ के लिए रोक रहे हो और बोल रहे हो कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत सोच, ये मत सोच, अभी ये सब डिफ़िकल्टीज क्यों ले रहा है, अभी ये सब कर क्यों रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लोग केरियर चूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने मना किया था कभी, आपने उसके सोच ही अटक दिया था, उसके सोचने की क्वालिटी अटक दिया था। सो कुछ नया सोचते हैं वो लोग, बच्चे होते ही ऐसे हैं। आप अगर उनमें कुछ फीट कर दो वो नया कुछ ले नहीं पाएंगे, बट उनका जब खाली दिमाग होते हैं वो लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। उनके सामने जो आता है, उनके सामने जो चीज़ आता है वो एक्सप्लोर कर लेता है। जैसे आपने देखा ही होगा, एक बच्चे टीवी में ऐड देखता है तो वो बोलते रहते हैं, मज़ा आता है उन लोगों को बोलते हुए। एक्सपीरियंस तो किया ही होगा आपके घर के बच्चे हैं तो। वही चीज़ आप ऐसी चीज़ उनके सामने लाओ कि वो लोग अच्छे एथिक्स सीखें। फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लोकेलिटी में क्या था, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे सराउंडिंग में रखते थे, मेरा माइंडसेट बदल जाता था। मैं अलग से सब कुछ सोचता था कि मैं ऐसे बात करूँगा तो इनको शायद बुरा लग सकता है, मैं ऐसे बात करूँगा तो इनको अच्छा लगेगा, अलग से सोचने का क्वालिटी देते हैं। सो आप अगर आपने बच्चे को सोचने की क्वालिटी दो, सोचने के टाइम दो, समझने के टाइम दो, तो वो लोग समझेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है वो लोग गलत करने जा रहे हैं और आपको पता है वो गलत है, वो 100% गलत है, तब आप उनको बोल सकते हो नहीं बेटा अभी मत करो, अभी ये काम कर लो, बाद में वो कर लेना कभी, तब तक वो भूल जाएंगे। ओके, सो आज मैं आपको और आपके बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया जिसमें आपके बच्चे को एथिक्स सिखाया जाएगा, उनका बिहेवियर सिखाया जाएगा, उनको क्या कैरियर ऑप्शन चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, कैसे उनको सोचना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने को बहुत लोगों तक पहुंचाना है, कैसे बात करना है, और कैसे आपको प्यार करना है, कैसे लोगों से प्यार लेना है, कैसे आप लोगों से प्यार लेना है, और कैसे ज़िंदगी जीना है, ये सब सिखाया जाएगा। एंड इट इज़ टोटली फ्री फॉर लाइफ टाइम। सो नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी होगा शायद, तो उससे आप रजिस्टर करो, एनरोल करो, और आप अपने बच्चों को लेके दोनों मिलके देखो, आप अपने फैमिली को लेके मिलके देखो, आपको भी कुछ सीख मिलेगा, आपके बच्चों को भी कुछ सीख मिलेगा। उसमें स्टोरी से कुछ कुछ ऐसे चीज़ों से बच्चों को सिखाया जाएगा जो बच्चे आसानी से रिलेट कर पाएंगे, एकदम अच्छे से स्टोरी बोल के बच्चों को सिखाया जाएगा। सो गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला वाला लिंक क्लिक करो और अपने बच्चों को सिखाओ कि वो लोग बहुत अच्छे और बहुत सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। लॉट्स ऑफ लव, बाय, मिलता है कोर्स में।